हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले कि मोटरसाइकिल या स्कूटर की सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग क्या है। नॉर्मली इंडिया में हम लोग ना फ्रंट ब्रेक्स नहीं लगाते हैं, बहुत डरते हैं कि गिर जाएंगे ये हो, बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट ब्रेक्स जो हैं वो 70% काम करते हैं आपका स्टॉपिंग में, एंड जो रियर ब्रेक्स होते हैं वो सिर्फ 30% काम करते हैं। सो मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ कि अगर मैं सिर्फ रियर ब्रेक्स यूज़ करूँगा तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा रुकने में, सिर्फ फ्रंट ब्रेक यूज़ करके कितना डिस्टेंस लगेगा, एंड जब मैं दोनों ब्रेक्स यूज़ करता हूँ तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा। तो आइए पहले वो डेमो देख लेते हैं। सो गाइस, ये लाइन है जब मैंने फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स दोनों यूज़ किए, वो बाइक खड़ी है, अबाउट 9 मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्पीड ऑफ 60। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो इतना 9 मीटर लगे रुकने में। ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने जब सिर्फ फ्रंट ब्रेक्स यूज़ किए थे तो करीब 3 मीटर और एक्स्ट्रा आ गए, और जब मैंने सिर्फ रियर ब्रेक्स यूज़ किए, ये देखिए स्पीड मार्क के लाइन है और वो यहाँ पे है, डिस्टेंस जो है डबल हो जाता है। तो गाइस स्टार्ट यूजिंग योर फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स, आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा एंड यू विल बी सेफ़।